कितने क्वेश्चन करेक्ट थे आपके? सर 45 प्लस करेक्ट है और दो क्वेश्चन में डाउट है बस। हाँ 47 करके आया मैं। अच्छा 47 हाँ, करके आया। और क्या मतलब फिजिकल की तैयारी करोगे? हाँ, इस बार फिजिकल के कल से। अच्छा पहले से कर रहे थे कि अभी स्टार्ट करोगे? नहीं, दो महीने पहले से मैं रिटर्न की एग्जाम की तैयारी कर रहा था और अब फिजिकल में पहले वो ग्वालियर भर्ती के पास फेल था। फिजिकल फेल हो गए थे? फिजिकल फेल था। अच्छा अच्छा, और क्या? और मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे 45 क्वेश्चन करेक्ट आप सही करके आए तो आपको एक दो क्वेश्चन तो याद होंगे जो बता सकते हो मुझे। जैसे संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, और ये महाराष्ट्र का राज्यपाल पूछा था उन्होंने। हाँ। और जीके में तो हुआ है, साइंस में तो 15 से 15 है। अच्छा, साइंस पूरा फिजिक्स पूछा था, उस केमिस्ट्री नहीं पूछा, फिजिक्स पूछा था और बायो में साइंस में से आए थे उसमें। बायो के क्वेश्चन भी आए थे? हाँ, बायो से भी। उसमें मतलब अपने मादा का वो प्रजनन तंत्र कौन सा है। अच्छा। हाँ, तो उसमें अंडाणु आएगा। अच्छा, ये बताओगे कि कितने महीने की आपकी तैयारी थी? करेक्ट 2 महीने 10 दिन की बस। मैंने 1 फरवरी को कोर्स लिया था और आज एग्जाम हो गया था। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ा था? ऑफलाइन? हाँ, ऑनलाइन पढ़ा था। अच्छा, हाँ, आर्मी स्टडी से। अच्छा, उसके बाद में आपने इतना कम समय में इतना अच्छा करके आए हो, मतलब बच्चे को आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि कितने महीने की तैयारी होनी चाहिए उनकी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो बच्चा आर्मी की एग्जाम निकाल सकता है आपके माध्यम? मैं उनको बस ये सजेशन देना चाहता हूँ कि बस बार बार रिपीट करो चीजों को, पढ़ो अच्छी तरीके से। बहुत से बहुत आप अगर पढ़ भी रहे हो तो मैं ओनली 9 से 10 घंटे पढ़ाई की मैंने, उसमें से 5 से 6 घंटे तो मिनिमम मेरी क्लासेस चलती थी ऑनलाइन। अच्छा। उसमें से 3 घंटे उनको डेली से रिवीजन करता था। अच्छा, अच्छा। हाँ, इस तरह मेरा कवर होगा। अच्छा, जो सरकार ने पहले एग्जाम लागू कर दिए, पहले ऑफलाइन होती थी, डायरेक्ट पहले फिजिकल होता उसके बाद मेडिकल रिटर्न होता था। हाँ। लेकिन अभी पहले एग्जाम हो रही है तो उसके माध्यम से आप क्या, आपके लिए क्या है फायदा? पहले एग्जाम हो रही है उसमें कोई संकेत नहीं है, एग्जाम हो रही है पहले उस बहुत एक नंबर तरीके से एग्जाम हो रही है मेरी। अच्छा हो रहा है। अच्छा है। यस, ये 4 साल के लिए इसको क्या कहना चाहोगे? 4 साल के लिए, 4 साल के लिए हमारे उन्होंने जितने भी ये परंपरा चलाई है वो एक नंबर तरीके से की है उसको, और 4 साल के लिए ड्यूटी में करना चाहूंगा बिल्कुल, उसके लिए कंफर्म हूँ। अच्छा, और कोई आपके माध्यम से कोई सजेशन देना चाहते हो जो कल बच्चे आएंगे एग्जाम देने के लिए उनको? उनको बस सजेशन यही देना चाहूंगा बस कि अपना घबराना नहीं है बिल्कुल, एकदम एग्जाम पेपर अच्छा करना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और सुबह की शिफ्ट एक नंबर आएगी, बिल्कुल सरल एग्जाम आएगा उसका। अच्छा, आपके जैसे अंदर का स्टाफ वो कैसे क्या रहेगा, जैसे आपको हेल्प करता है कि जिसको बच्चे कंप्यूटर चलाना? हाँ, नहीं, जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता उसको आराम से वो हेल्प करेगा, उसको बुला सकते हैं अपन और आराम से अपन को बताएगा वो। डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं लग रहा है, एक अपने आधार कार्ड का ओरिजिनल आधार कार्ड लगेगा और ये एडमिट कार्ड लगेगा बस। फोटो वोटो? दो फोटो ले जाना है, लेकिन उन्होंने फोटो मांगा है लेकिन देखना देखा नहीं उन्होंने। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू सर। कौन सा जिला आपका? गुना जिला है मेरा। खाचरो तहसील, जिला उज्जैन है मेरा। उज्जैन जिला से। अच्छा, फर्स्ट बार एग्जाम दिया आपने? जी सर, फर्स्ट बार एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट बार दे रहे? ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट बार। इसके पहले आर्मी की कोई भर्ती दी आपने? नहीं, हमने कोई भर्ती नहीं दी अभी तक। अच्छा, फर्स्ट भर्ती थी आपकी। हाँ। कैसा गया आज का पेपर? बहुत बढ़िया पेपर गया सर। अच्छा, कितने क्वेश्चन करके आयो अटेंड? सर मैं 43 क्वेश्चन अटेंड करके आया हूँ। करेक्ट है कितने? 40 प्लस ही होंगे। 40 प्लस करेक्ट होंगे। हाँ। अच्छा, थोड़ा करेंट मतलब जीके में थोड़ा दिक्कत है हमें, मतलब जीके का कंफर्म नहीं हो, कंफर्म करेंगे हम एनालिसिस देख के तो हमें पता चलेगा। अच्छा, मेरे हिसाब से जो बताओगे आपके जैसे पेपर, आपने तीनों सब्जेक्ट आया होगा जीके जीएस मैक्स, इसमें से हाई लेवल कौन सा लगा जो आपसे समझ में कम आया होगा आपको, के टाइट लगा? बहुत ले लेवल का, लो लेवल का आ रहा है क्योंकि हमने थोड़ा पढ़ हाई रखा था। अच्छा। तो उसमें थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन से टाइम बहुत लग रहा था हर क्वेश्चन में, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता। अच्छा, ज्यादा ऊपर का नहीं आ रहा मतलब अंदर? बहुत बहुत लेवल। आर्मी का जो लेवल रहता है ना। हाँ। जो पहले आता था वही लेवल आ रहा है। लेवल वही आ रहा है। अच्छा, उसके बाद में कोई क्वेश्चन याद है आपको जीके जीएस में से? जीके जीएस में राज्यपाल से आ रहा है। हाँ, और राजनीति से और खेल से आ रहा है। खेल से संबंधित आ रहा है। अच्छा, कोई नदियों वाला या खिलाड़ी वाला? नदियों से कोई संबंध नहीं था, नदियों से कोई नहीं, हमारे शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था इससे। अच्छा अच्छा अच्छा। और साइंस कोई से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन बैठ रहे हैं? साइंस सारे टॉपिक बैठ रहे हैं और साइंस बहुत लो लेवल का आ रहा है। अच्छा, और मैथ्स का जैसे अधिकतर जैसे 15 क्वेश्चन आए होंगे तो सबसे ज्यादा कोई से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं? सभी टॉपिक से आ रहे हैं, बट औसत हर शिफ्ट में कंपलसरी है। अच्छा, औसत का क्वेश्चन कंपलसरी आएगा से? में आ रहा है मतलब लगभग ऐसा लग रहा है। अच्छा, रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आए होंगे आपके हिसाब से? 5 आए थे सर। 5 क्वेश्चन आए थे। और करंट अफेयर और जीके दोनों को मतलब? करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। अच्छा, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन याद है आपको? महाराष्ट्र का राज्यपाल पूछा गया था। अच्छा, इसी साल का। हाँ। अच्छा, अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे जो बच्चे को आपके माध्यम से जो कल एग्जाम है उनको? उनको बताऊंगा मैं कि करंट अफेयर ज्यादा पढ़े क्योंकि करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा अच्छा, बाकी तो पेपर बहुत इजी आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, धन्यवाद आपका। वेलकम भैया। कहाँ से हो? सर शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से। शाजापुर जिले से। अच्छा, कैसा गया पेपर आपका? बढ़िया गया, अच्छा था सर। अच्छा, कितने क्वेश्चन करके आया? 47 अटेम्प्ट किए सर। 47, 3 क्वेश्चन क्या छूट गए वो?
सर वो भी याद नहीं थे। अच्छा याद नहीं थे। अच्छा ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन है आपको जैसे आपने पढ़ा नहीं है, कहाँ से पूछ लिया उसको समझ भी नहीं आया आपका? सर दो एक क्वेश्चन थे जो मतलब आउट ऑफ कभी पढ़े ही नहीं थे। अच्छा अच्छा लेवल कैसा क्या रहा आज का? बढ़िया था सर। कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ सर अभी एक तो ये पूछा था उसने कि महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है, जिसके बाद भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, जीके में और जीएस में समतल दर्पण से पूछे थे। अच्छा, और किडनी अग्नाशय वाले पूछे थे थोड़े बहुत। अच्छा, अच्छा बायो के भी क्वेश्चन बेटर हैं। हाँ बेटर है सर। अच्छा मतलब आज साइंस बहुत शानदार थी। अच्छा साइंस से बेटर। अच्छा ये बताओगे रीजनिंग के कोई क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं? सर वो डिकोडिंग और सीरीज नंबर सीरीज से। अच्छा कितने महीने की तैयारी थी आपकी? सर मैं तो हो गया 7-8 महीने से। 7-8 महीने सेल्प। अच्छा इसके अलावा जो बताओगे जैसे क्या कि बच्चे को कितना महीने की तैयारी होनी चाहिए तो आर्मी की एग्जाम निकाल सकता है? सर प्रिपरेशन तो चाहिए चाहिए। अच्छा इसके बाद आप फिजिकल की स्टार्ट करोगे तैयारी? हाँ करेंगे सर। आज से? आप कहाँ से? क्योंकि अभी दिखाया ज्यादा समय नहीं बचा है। हाँ, आपके नंबर तो अच्छे हैं आपके, तो उसके हिसाब से आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल है ना, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 20 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप आना चाहो तो आप फिजिकल के लिए आ सकते हो। आपका वेलकम। ठीक है धन्यवाद।